नमस्कार दोस्तों। तो आप में से बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि जो Realme 9i नाम का जो स्मार्टफोन आने वाला है, जिसका लीक्ड इन्फॉर्मेशन बहुत बार सामने आ चुका है, लेकिन फाइनली ये जो Realme 9i नाम का जो स्मार्टफोन लॉन्च कब होगा, तो चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल पे देख सकते हैं, मेरे पास Realme 9i कब लॉन्च होने वाली है इसका कॉन्फर्म इन्फॉर्मेशन आ चुका है। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन किस प्राइस पॉइंट में और एग्जैक्टली क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया पे लॉन्च होगा। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन जिन लोगों के पास Realme 8i ऑलरेडी है, क्या उन्हें Realme 9i पे एक्सचेंज या फिर अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजुअल चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो गैजुअल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जो स्मार्टफोन पर्टिकुलरली दो कलर पे लॉन्च होगा, एक का नाम होगा प्रिज्म ब्लैक, दूसरे का नाम होगा प्रिज्म ब्लू। और इसका डिजाइन देख के आपको ये चीज़ तो जरूर मालूम हो गया होगा कि अभी Realme का जो भी फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है, जैसे कि Realme GT 2 या फिर जो Realme GT Neo 2 जैसा जो स्मार्टफोन अवेलेबल है, एग्जैक्टली सेम डिजाइन आपको इसमें देखने को मिलेगा। मतलब इसका जो डिजाइन Realme के फ्लैगशिप स्मार्टफोन के जैसा ही होगा। इस स्मार्टफोन का थिकनेस होगा 8.7 मिलीमीटर और इसका वेट होगा 188 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इसमें मिलेगा 6.5 इंच फुल एचडी प्लस 90Hz IPS LCD डिस्प्ले। इसमें आपको मिलेगा 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट, उसके साथ 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, और जो डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस वो आपको मिलेगा 500 nits। और इसके साथ आपको कोई ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा या फिर नहीं, इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रोसेसर की अगर बात करें, ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कहूँगा, स्नैपड्रैगन 680 लॉन्च होने वाला है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बैटरी एफिशिएंट वाला प्रोसेसर है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, थोड़ा सा ओके टाइप का परफॉर्मेंस है। कैमरे की अगर बात करें, इसमें आपको मिलेगा 50 दो और दो मेगापिक्सल का बैक कैमरा, और ये जो 2 मेगापिक्सल का सेंसर Realme 10,000 से लेके एग्जैक्टली 60,000 तक सभी फोन में इस्तेमाल कर रहा है। और मैंने 60,000 इसीलिए कहा कि जो अपकमिंग Realme GT 2 Pro आने वाला है, उसमें भी आपको एग्जैक्टली 2 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलेगा। और फोन में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। ये जो स्मार्टफोन कहा जा रहा है कि मल्टीपल रैम और स्टोरेज वेरिएंट पे लॉन्च होगा, जैसे कि 4GB 6GB रैम वेरिएंट, उसके साथ 64GB 120GB स्टोरेज वेरिएंट पे लॉन्च होगा। इसका रैम का क्वालिटी होगा LPDDR4X और इसका मेमोरी का क्वालिटी होगा UFS 2.1, और इसके साथ आपको डेफिनेटली 2+1 कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलेगा। अगर स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में बात करें, इसमें आपको डेफिनेटली 5000mAh बैटरी मिलेगा, उसके साथ 33W का चार्जर, और जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB Type-C। ऑडियो की अगर बात करें, इसमें आपको मिलेगा डुअल स्पीकर, लेकिन जो डुअल स्पीकर उसका क्वालिटी, मतलब क्या उसके साथ हमें DTS HD ऑडियो इफेक्ट देखने को मिलेगा या फिर नहीं, इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर हम इसके कुछ बाकी के फीचर के बारे में बात करें, तो आपको इसमें एंड्रॉयड 11 मिलेगा, 3.5mm जैक भी मिलेगा, और जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो आपको मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो अब जो सबसे मेन चीज़, कब लॉन्च होने वाला है, किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है, पहले लॉन्च डेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने थंबनेल पे देखा, 10th जनवरी लॉन्च होने वाला है, लेकिन वो 10th जनवरी इंडिया के लिए नहीं, वियतनाम में लॉन्च होने वाला है 10th जनवरी। और Realme के पहले के ट्रेडिशन को देखकर हम यही चीज बोल सकते हैं, वियतनाम पे लॉन्च होने के एग्जैक्टली एक महीने के अंदर वो गारंटीड इंडिया पे लॉन्च हो जाता है। तो मतलब Realme 9i वाला स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होने के पॉसिबल डेट है फेब्रुआरी, मतलब फेब्रुआरी से ज्यादा तो नहीं, एग्जैक्टली फेब्रुआरी पे लॉन्च होगा। मेरे ख्याल से सेकंड या फिर थर्ड वीक पे लॉन्च होने के सबसे ज्यादा चांस है। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें, देखिए ऐसा मेरे सोर्स की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये जो स्मार्टफोन बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग में लॉन्च होगा। जैसे हमने ये देखा होगा, Realme 6i बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, 7i वो भी बहुत बढ़िया है, 8i वो स्मार्टफोन भी और भी बहुत ही बढ़िया है। और अगर हम Realme 8i के बारे में बात करें, उसका प्राइस है 14,000 रुपये। तो मतलब कहा जाए कि ये जो स्मार्टफोन गारंटीड इंडिया पे बिकेगा वही 12,000 रुपये के आसपास, मतलब 12,000 रुपये पे डायरेक्टली कॉम्पीट करेगा आपका इन्फिनिक्स, नोट 11, मोटोरोला G31, नार्जो 30, मतलब खुद के स्मार्टफोन के साथ कॉम्पीट करने वाला है। तो अभी हर वीडियो के जैसे इस वीडियो में आपको कहूंगा कि ये जो Realme 9i नाम का जो स्मार्टफोन आने वाला है, क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, एज ए ओवरऑल स्मार्टफोन की अगर बात करें, डिस्प्ले 90Hz डिस्प्ले, 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट, मतलब ठीक ठाक है। कैमरा 50 2 2, फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा, ये भी ठीक ठाक है। बैटरी 5000mAh बैटरी, 33W का चार्जर, और जैसे कि मैंने आपको पिछले दिन की स्मार्टफोन ट्रेंड वाली वीडियो में कहा था कि बहुत ही जल्द 10 से 15000 के स्मार्टफोन में भी आपको 32-33W का चार्जर जरूर देखने को मिलेगा, मतलब वही एक्चुअली उस प्राइस रेंज का बेस्ट चार्जिंग स्पीड होगा।
और अगर इससे बाकी के फीचर की बारे में बात करें तो आपको डुअल स्पीकर मिलेगा, अच्छा खासा रैम और रोम का वेरिएंट भी मिलेगा और एक अच्छा खासा बैटरी एफिशिएंट वाले भी प्रोसेसर मिलने वाला है। लेकिन इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है इसका प्रोसेसर। मतलब देखिए, एक बहुत ही बढ़िया बैटरी एफिशिएंट वाला प्रोसेसर है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। ये एक्चुअली जो दो तीन साल पहले, मतलब दो साल पहले जो स्नैपड्रैगन 662 या फिर जो स्नैपड्रैगन 665 लॉन्च हुआ था, एग्जैक्टली उसका रिब्रांडेड वर्जन है। मतलब सभी के सभी कोर और जीपीयू एग्जैक्टली सेम है, बस जो नैनोमीटर नंबर उसे कम किया गया है, मतलब ऑलमोस्ट घुमा रखे एक रिब्रांड किया गया है। तो मतलब 12,000 रुपए के अंदर हमें मिलने वाला है दो साल पुराना जो प्रोसेसर, जो कि स्नैपड्रैगन 662, एग्जैक्टली उसके जैसा परफॉर्मेंस। और यही एक्चुअली स्मार्टफोन का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज है। तो अगर स्नैपड्रैगन 680 से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको डेफिनेटली इस 12,000 पे रियलमी 9i वाले स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अगर इसके प्रोसेसर परफॉर्मेंस को छोड़ दे तो। तो अभी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि जो 12,000 के आसपास Realme 9i जो लॉन्च होने वाला है, जब ये लॉन्च होगा तो क्या आप इस स्मार्टफोन को 12,000 पे लेना चाहेंगे या फिर Infinix या फिर Motorola के जो स्मार्टफोन अवेलेबल है अब उसे लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।